को यहां पर जमानत मिल गई है और ऐसे में लोकसभा चुनाव भी यहां पर बेहद करीब हैं, तो अपनी अलग रणनीति बनाती हुई भी यहां पर विक्रांत जरूर आम आदमी पार्टी अब नजर आएगी। इस मुद्दे को बनाने की कोशिश उसकी ओर से भी लोकसभा चुनाव के दौरान जरूर होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, संजय सिंह को जमानत यहां पर मिल गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह और ऐसे में उनको जमानत मिली है। ये एक राहत भरी खबर आम आदमी पार्टी के लिए भी, क्योंकि तिहाड़ जेल कल ही शिफ्ट किए गए हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। और आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि वो जेल के अंदर से भी सरकार चलाएंगे, लेकिन मुद्दा यही है कि लोकसभा चुनाव करीब है, लोकसभा चुनाव की रणनीति किस तरीके से तय की जाएगी। तमाम उनके जो नेता हैं वो इस वक्त जेल के अंदर हैं, तो जो लोकसभा चुनाव की रणनीति है उसमें किस तरीके से आगे बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी दिखेगी, वो भी जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद हो, तो ऐसे में ये एक राहत भरी खबर जरूर है आम आदमी पार्टी के लिए। विक्रांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, अब ये जो मुद्दा है संजय सिंह, क्योंकि अब उनको जमानत मिल गई है, वो जेल से बाहर आ गए हैं, तो इस मुद्दे को भी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच रखने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी? देखिए, दो तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 इंडिया पर इस समय जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं कि संजय सिंह को जो जमानत मिली है उसके बाद आम आदमी पार्टी से राजनीतिक तौर पर तो इस्तेमाल करेगी ही, साथ साथ कानूनी तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और जो बाकी नेता संजय सिंह के अलावा जो जेल में बंद है, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, उनके मामले में भी इसी मामले का हवाला दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि जो मनी ट्रेल है जिसकी बात की जा रही है उस तक ईडी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। और संजय सिंह की जमानत निश्चित तौर पर आम आदमी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा राहत की बात भी लेकर आई होगी। इस समय जब उनके तमाम नेता एक के बाद एक गिरफ्तार हो रहे थे, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से जेल सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, अब ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी है, तो निश्चित तौर पर इसका राजनीतिक इस्तेमाल भी किया जाएगा और इसको लीगल ऑप्शन के तौर पर भी बाकी केसेस में भी दिखाया जाएगा। तो संजय सिंह की ये पहली एक मामला है। संजय सिंह पहले ऐसे नेता हैं जो आम आदमी पार्टी की फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप है। आपके पास हम वापस लौटेंगे, जावेद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, आपके पास और क्या जानकारी? जी, मैच कर दिया, मैच कर दिया। हमारे साथ सोमनाथ भारती हैं, क्विक रिएक्शन के लिए। संजय सिंह को जमानत मिल गई है, सोमनाथ जी क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा को एहसास हो गया कि ईडी का दुरुपयोग उनके लिए हानिकारक साबित हो रहा है। 2024 का चुनाव बड़ी बुरी तरह हार रहे हैं, लगातार जनाधार खिसक रहा था उनका, और इस कारण से आज ईडी ने एडमिट किया कोर्ट में कि उन्हें संजय सिंह जी का अब गिरफ्तारी, अब उनको जेल में रखने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे कहा गया है? बिल्कुल ले सकेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी और केस में भी कहा था कि भाई किसी को अब रोक नहीं सकते। अब ये जग जाहिर हो गया कि भाजपा ने शुद्ध राजनीतिक कारणों से ईडी का दुरुपयोग किया और इस प्रकार से उन्होंने संजय सिंह जी हो, मनीष सिसोदिया साहब हो, सत्येंद्र जैन हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, सबको जेल में झूठे आधार पे, फेक केस पे, कोई एविडेंस नहीं था, इस प्रकार जेल में रखा हुआ था। आज सच जीता है, ये भाजपा हारी है। खबर आई है जब अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में, सुखद खबर आपके लिए है? देखिए, नेचुरल सी बात है, क्योंकि आज संजय सिंह जी को जब मेल मिला है, करीब करीब सेम पैटर्न सिसोदिया साहब का भी है, सेम पैटर्न जैन साहब का भी है, अरविंद केजरीवाल जी का भी है, किसी का भी, किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ना कोई प्रूफ है। तो मुझे लग रहा है आज भारत की जनता की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। आखिरी सवाल मेरा ये, आप कह रहे हैं कि उस वही पैटर्न पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, लेकिन कहा जा रहा है, कोर्ट ने यह कहा कि संजय सिंह की जो रियायत मिली है वो दूसरे मामले में उदाहरण नहीं बनेगी, तो क्या लगता है कि वो मुश्किल आसान होगी? देखिए, जो लॉजिक और जो आर्गुमेंट है, चूंकि जब मैं ऑर्डर देखूंगा तब बता पाऊंगा, लेकिन मेरे लीगल एक्विपमेंट जो कहता है कि चूंकि सभी लोग बराबर के ग्राउंड्स पे अरेस्ट किए गए थे, कि भाई फलाने ने कह दिया, ढिंगड़े ने कह दिया, इसने कह दिया, उसने कह दिया, तो बाकी मैं ऑर्डर देख के बताऊंगा। शुक्रिया सोमनाथ भारती, जो कि रिएक्शन दे रहे थे सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर। क्विक रिएक्शन हुआ है, आम आदमी पार्टी का बयान आया है,
सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती और नई दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार भी हैं। देखिए जिस तरह से पहला रिएक्शन आ गया है सामने आम आदमी पार्टी का और विक्रांत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि इसका लीगल फायदा भी अब आम आदमी पार्टी उठा सकती है, तो इस आधार पर कि संजय सिंह को अब जमानत दे दी गई है और उस वक्त ईडी कुछ नहीं कर पाई, क्या दलीलें अब आम आदमी पार्टी बाकी केसेस में रखेगी? देखिए एक चीज और क्लियर करूंगा, क्योंकि अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की आगे की बात भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि ईडी ने एक तो जमानत का विरोध नहीं किया, दूसरी बड़ी बात कि संजय सिंह की जो जमानत की शर्तें हैं वो निचली अदालत तय करेगी, यानी ट्रायल कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट जहां पर उनके मामले की सुनवाई चल रही थी वहां से उनकी जमानत की शर्तें तय होंगी। जब भी जमानत किसी आरोपी को दी जाती है तो उस मामले में अदालत कुछ शर्तें तय करती है, तो इस मामले में संजय सिंह की जमानत की जो शर्तें हैं वो निचली अदालत से तय होंगी। तीसरी बड़ी बात, कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले को मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाएगा, यानी कि जो बाकी आरोपी हैं वो इस बिना पर जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकते कि संजय सिंह को भी जमानत इस मामले में मिल चुकी है, वो भी इस केस के आरोपी थे, तो बाकी लोग इस आधार पर जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ये न्यूज 18 इंडिया पर इस समय की सबसे बड़ी खबर है। कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले को मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाएगा, यानी कि बाकी आरोपी इस बात का फायदा नहीं उठा पाएंगे, कम से कम ऐसा लग रहा है कोर्ट के डायरेक्शन से कि इसके आधार पर कि एक आरोपी को जमानत मिल गई और बाकी लोग भी उस आधार पर जमानत दे दें। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत राहत की खबर है, उसके पहले नेता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ आम आदमी पार्टी काफी उम्मीद से इसलिए देख रही थी कि उनको ये लग रहा था कि अगर संजय सिंह की जमानत हुई तो चुनाव से पहले उनके पास कोई एक फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप रहेगी जो चुनाव संबंधी फैसले ले सकेंगे, और संजय सिंह शुद्ध रूप से संगठन के आदमी हैं, उनकी सरकार में कोई भूमिका एज सच नहीं थी लेकिन संगठन संभालने में उनकी बड़ी भूमिका थी और चुनाव के दिनों में सबसे बड़ी जरूरत संगठन की रहती है, और इसी कारण संजय सिंह को जमानत मिलना इस मामले में एक बड़ा आम आदमी पार्टी के लिए रिलीफ है। लेकिन हमें इसे दूसरी नजर से भी देखना पड़ेगा कि अब ये आरोप जो लगते थे कि कई आरोपियों को जमानत नहीं मिल रही है, अब संजय सिंह को जमानत मिल गई है, तो क्या यह आरोप लग पाएगा कि पीएमएलए केस में जमानत नहीं मिलती जो आम तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता लगाते थे और ये कहते थे कि इस कारण उनके नेताओं को बेल नहीं मिल रही है, तो ये भी एक इसका पहलू है जिसकी तरफ आने वाले दिनों में अब बहस नहीं हो पाएगी। जो ये कहा जाता था राजनीतिक तौर पर कि पीएमएलए केसेस में जमानत लगभग नामुमकिन हो गई, भले ही इस मामले में ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया, क्योंकि पीएमएलए कानून में यह है कि जांच एजेंसी के रुख पर काफी कुछ निर्भर रहता है, तो ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया और आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, बहुत राहत की खबर आम आदमी पार्टी के लिए इस पूरे झंझावत के दौर के बीच में। जी बेशक, और 181 दिन बाद जमानत मिली है यहां पर संजय सिंह को, और ऐसे में लगातार ये एक राहत भरी खबर भी आम आदमी पार्टी के लिए है। विक्रांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विक्रांत, जैसा आपने कहा कि मिसाल के तौर पर इसको नहीं लिया जाएगा, यानी इसका जो लीगल फायदा है वो आम आदमी पार्टी उठा नहीं सकती है बाकी केसेस में, चाहे मनीष सिसोदिया का हो या फिर अरविंद केजरीवाल का। देखिए अभी प्राइमा फेसी देखने पर मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार कोर्ट का डिटेल जजमेंट देखने के बाद तमाम चीजें पता चलेंगी, लेकिन कोर्ट ने चूंकि ये कहा है कि इस केस को मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाएगा, तो इसका कानूनी भाषा में अगर हम अर्थ देखें तो कई बार ऐसा होता है कि कोई बेल ऑर्डर हो या कोई एक्विटल ऑर्डर हो तो उसके आधार पर उसी तरीके के जो सिमिलर केसेस होते हैं उसको एक आधार बनाया जाता है, लेकिन कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले को मिसाल नहीं बनाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर शालिनी इस मामले में इस केस के आधार पर कि संजय सिंह को जमानत मिली है, मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन भी इस आधार पर जमानत दे दें, यह अभी मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि कोर्ट के आदेश को एक बार पूरा आदेश जब विस्तृत आ जाएगा उसको पढ़ना और उसको समझकर हम अपने दर्शकों को और जानकारियां देंगे, लेकिन अभी जो प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है कि इस फैसले को मिसाल के तौर पर नहीं प्रयोग किया जाएगा और संजय सिंह हालांकि राजनीतिक तौर पर अगर हम कहें तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत आज उनके लिए, क्योंकि अभी तक उनकी फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप के चार बड़े नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली शहर के, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे, सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर थे, तो वो तीन अभी भी जेल में हैं, लेकिन संजय सिंह जो पार्टी के सांसद थे उनको अभी दोबारा हाल ही में शपथ दिलवाई गई है, वो पहले नेता बने हैं आम आदमी पार्टी के जिनको इस मामले में, इस तरह के शराब घोटाले मामले में जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है।
और इसी के साथ राहत मिलती हुई भी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर साफ नजर आ रही है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ये राहत आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मिली है। एक बड़ा चेहरा है संजय सिंह आम आदमी पार्टी का, और अब जब उनको जमानत मिलती है तो आम आदमी पार्टी इसका राजनीतिक फायदा तो उठाएगी और कोशिश ये भी होगी कि इसका कानूनी फायदा भी उठाया जाए। हालांकि कोर्ट ने साफ कहा है कि इस केस को मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाएगा। विक्रांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, अब आगे का जो रास्ता है, आगे की जो राह है, राजनीतिक तौर पर या फिर कहें कानूनी तौर पर, कितनी आसान होगी आम आदमी पार्टी के लिए या